नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी सर्जरी की जिसको क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्जरी बोलते हैं। मतलब इस सर्जरी की ज़रूरत जीने के लिए नहीं है, इस सर्जरी की ज़रूरत अच्छा जीने के लिए है। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में सेक्स ख़त्म हो चुका है, अगर आपकी ज़िंदगी में सेक्स नहीं है, सेक्स नहीं कर पा रहे, आपका पेनिस छोटा हो गया है, पूरा हार्ड नहीं होता है, वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, दो मिनट में ख़त्म हो जाता है, टाइमिंग नहीं है, हार्डनेस नहीं है, तो उस सर्जरी के बाद आपको अपनी जो एक इंटीमेट लाइफ है, अपनी जो एक यौन शक्ति है या यौन संबंध है, वो अच्छे से बन सकते हैं। इस सर्जरी को बोलते हैं पिनाइल इम्प्लांट। पिनाइल इम्प्लांट मतलब ऐसी कृत्रिम रॉड्स, ऐसी प्रोस्थीसिस जो आपके लिंग में लगने के बाद आपका लिंग नॉर्मल काम करेगा, जैसे एक बढ़िया गाड़ी काम करती हो। एग्जाम्पल के तौर पर, किसी के पास एक पुरानी जीप है जिसका इंजन ख़राब हो चुका है, जीप पूरी ठीक है, सीटें वीटें आउटसाइड सब एक्सटीरियर सब बढ़िया है, पर इंजन ख़राब होने की वजह से वो जीप नहीं चल पाती। उस जीप का इंजन चेंज कर दिया जाए तो वो जीप पहले की तरह दौड़ेगी, उस जीप में वो सब इंजॉयमेंट आएगा जो एक नई जीप में आ सकता था। उसी तरह अगर आपके लिंग में आपकी जो ऑर्गन है, आपका जो प्राइवेट पार्ट है, उसकी शक्ति ख़त्म हो चुकी है, उसकी शक्ति अब ओवर हो चुकी है, तो उसको फिर से नई शक्ति देने के लिए उसमें एक नया इंजन डलता है जिसको बोलते हैं पिनाइल इम्प्लांट। और आज हम पिनाइल इम्प्लांट के बारे में 7 सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मरीजों के होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन लेंगे। ये वीडियो तब देखिए अगर आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन इतना हो चुका है कि आपको दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, आपको दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट कर रही है, आपकी दवाइयाँ नहीं मतलब आपको यूज़फुल लग रही, और आपकी मैरिड लाइफ या आपकी सेंसुअल लाइफ या आपकी इंटीमेट लाइफ खतरे में है। तो आइए शुरू करते हैं पिनाइल इम्प्लांट फॉर बिगनर्स या पिनाइल इम्प्लांट 101। पेनाइल इम्प्लांट क्या है और ये कैसे काम करता है? तो पेनाइल इम्प्लांट होते हैं आपके प्राइवेट पार्ट, आपके औजार, आपके हथियार, आपके ऑर्गन का नया इंजन, जिससे आप सेक्स का वो सेम मज़ा फिर से ले सकते हो जो शायद जवानी में कभी लेते थे। आपको फ़र्ज़ कीजिए, आप सबके घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग होगा जिनकी आँखों की रोशनी धुंधली हो गई है, जिनके लेंस के अंदर मोतियाबिंद बन गया है, और जब जाते डॉक्टर आँखों के डॉक्टर के पास तो बोलता है कि ये लेंस ख़राब हो गया है, इसको हटाएंगे, नया लेंस लगाएंगे और उसके बाद आपको फिर से बिल्कुल क्लियर दिखना शुरू होगा। मतलब जिन बूढ़े लोगों को चश्मा लग चुका होता है, देखने में स्ट्रगल करना पड़ता है, लेंस लगाने के बाद एकदम नॉर्मल दिखता है, चश्मे उतर जाते हैं और आँखों की रोशनी एकदम जवानी की तरह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, उसी तरीके से अगर आपके प्राइवेट पार्ट में से एनर्जी ख़त्म हो गई है, प्राइवेट पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं है, प्राइवेट पार्ट का इरेक्टाइल डिसफंक्शन इस कदर बढ़ चुका है कि उसके अंदर कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो हम उसको साफ़ करके, अंदर की टिश्यूज़ को साफ़ करके उसके अंदर एक आर्टिफिशियल रॉड लगा देते हैं, और ये रॉड फिर आपके लिंग को सपोर्ट देती है, इस रॉड आपके लिंग के अंदर इरेक्शन को फिर से चालू कर देती है। हम कभी भी आपकी जो ब्लड सप्लाई है उसको ख़त्म नहीं करते, हम ब्लड सप्लाई को सपोर्ट देते हैं, तो मोस्ट पेशेंट्स को जो इरेक्शन है वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि 80% काम तो इम्प्लांट कर देता है और 20% काम जो आपकी नॉर्मल ब्लड सप्लाई है जो फूलती है, इरेक्शन आता है, अराउजल आता है, तो इम्प्लांट के बाद नॉर्मली मरीजों के अंदर लंबाई, मोटाई, हार्डनेस, टाइमिंग, साइज़, पांचों चीज़ें ठीक हो जाती है। पांचों चीज़ें ठीक होने के बाद सेक्स और इन्जॉयबल होता है, और कई बार उनकी वाइफ बोलती है कि आप सेम मज़ा आ रहा है जो शायद सुहागरात पे आया था, या जो 25 साल पहले जो एक इन्जॉयमेंट थी वो इन्जॉयमेंट फिर से मिलनी शुरू हो जाती है। पेनाइल इम्प्लांट के लिए कौन उपयुक्त उम्मीदवार होता है? तो कई बार क्या है कि इम्प्लांट की वीडियोस देख के और इम्प्लांट के बेनिफिट्स देख के कई बार मन में आता है कि यार हम भी करवा लें इम्प्लांट, तो क्या इम्प्लांट आपके लिए सही है? नहीं, इम्प्लांट हर किसी के लिए सही नहीं है। मोतियाबिंद होने के बाद ही लेंस चेंज होता है, हार्ट ख़राब होने के बाद ही वॉल्व लगता है। अगर आपका लिंग ख़राब है, अगर आपको इरेक्शन नहीं आ रही, आपका टाइमिंग ख़राब है, साइज़ छोटा हुआ है, तो कई सारी नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है, जैसे दवाइयाँ, PRP, स्टेम सेल, मसाज, कीगल, शॉकवेव, जिसके बारे में मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है। पर अगर पहला आपको दवाइयाँ काम नहीं कर रही, आपको डायबिटीज़ है, चोट लगी है, लिंग की सप्लाई कट चुकी है, आपको दवाइयाँ नहीं काम कर रही, आपने 200-200 ग्राम वायग्रा खा के देख ली, नहीं इंडक्शन हो रहा, तब सेकेंड साइड इफ़ेक्ट, दवाई खाने के बाद आपकी आँखें धुंधलाती है, सर में दर्द होता है, पूरा दिन काम नहीं करता, मन नहीं करता काम करने का, तब तीसरा दवाइयाँ काम करती है पर कुछ समय के लिए, आपको स्पॉन्टेनिटी चाहिए, दवाई खाते हैं ज़रूर, फ़ायदा होता भी ज़रूर है, पर कुछ समय के लिए होता है और कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि जब आपने दवाई खाई उस टाइम बीवी रेडी नहीं है, जिस टाइम बीवी रेडी उस टाइम आपकी दवाई काम नहीं करी, तो अगर आप चाहते हैं कि जब चाहे तब सेक्स कर सकते हैं, जब चाहे तब संबंध बना सकते हैं, तब तो इन तीन कंडीशन में, जब लिंक बिल्कुल ख़राब हो गया है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, या दवाई खाना नहीं चाहते,
उस कंडीशन में अगर आपको अपने लिंग को रिपेयर करना है, आपको अपने लिंग को ठीक करना है और अपनी नेचुरल इरेक्शन, नेचुरल साइज को फिर से पाना है, तो आप इम्प्लांट के कैंडिडेट है। इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है। कई बार लिंग 19 साल में ख़राब होता है, कई बार लिंग 90 साल में ख़राब होता है, तो एज क्राइटेरिया नहीं है। पर डेफिनेटली प्रॉब्लम को पूरी तरह से जांच की गई हो, उसका डॉपलर, हार्मोन लेवल सब चेक किया गया हो, दवाइयाँ ट्राई करी गई हो, थेरेपीज ट्राई करी गई हो, और जब सब फेल हो जाए तभी आप इम्प्लांट कराइए। कौन कौन से पेनाइल इम्प्लांट उपलब्ध हैं और वे कैसे अलग अलग होते हैं? तो पेनाइल इम्प्लांट एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो कई बार लोगों को लगता है कि पेनाइल इम्प्लांट कोई नई टेक्नोलॉजी है, शायद इसी साल तो रिलीज हुई है। ऐसा नहीं है। 1963 में पहला पेनाइल इम्प्लांट अमेरिका में प्रत्यारोपण हुआ था, और आज भी ऐसे मरीज हैं वर्ल्ड में जिनको 40 साल हो गए इम्प्लांट से अपनी ज़िंदगी जीते हुए। इस 50 साल के अंदर इम्प्लांट की कई कंपनियां, कई वैरायटीज़ और कई चीज़ें वर्ल्ड में आई है। पर मोटा मोटा अगर इम्प्लांट को बांटो तो दो तरह के इम्प्लांट होते हैं। एक होता है मैलेबल पेनाइल इम्प्लांट। मैलेबल पेनाइल इम्प्लांट को सेमी रिजिड पेनाइल प्रोस्थेसिस बोलते हैं, SRPPs। मैलेबल इम्प्लांट के अंदर ये रॉड होती है जो लिंग में लगती है। इस रॉड के अंदर कोई पानी नहीं होता। ये रॉड को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बेंडिंग बोलते हैं उसको। और जब आप सेक्स करना चाहें उस टाइम इस रॉड को ऊपर कर लीजिए, और जब सेक्स खत्म हो जाए तो रॉड को नीचे कर लीजिए। दूसरा होता है इन्फ्लेटेबल। इन्फ्लेटेबल मतलब ऐसे इम्प्लांट जिनके अंदर पानी होता है। ये एक रिजर्वायर होता है, जैसे घर में पानी की मोटर होती है, तो मोटर नीचे होती है, पानी की टंकी ऊपर होती है, और जब आप पानी चाहे तो आप नलका खोलेंगे तो पानी नलके में आता है। उसी तरीके से इस इम्प्लांट में एक टंकी होती है जो पेट में लगती है, एक मोटर होती है जो आपके अंडकोश में लगता है, और दो पानी के नलके होते हैं जो लिंग में होते हैं। जब आपको इंटरकोर्स करना है तो आप मोटर चालू करेंगे तो पानी आएगा, लिंग टाइट हो जाएगा, और जब खत्म होगा मोटर ऑफ करेंगे सारा पानी निकल जाएगा और लिंग ढीला हो जाएगा। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट तीन कंपनियां बनाती है, कोलोप्लास्ट, AMS और रिजिकॉन। मैलेबल इम्प्लांट्स कम से कम 8 से 9 कंपनियां बनाती है, और हर इम्प्लांट डिफरेंट टेक्निक से, डिफरेंट मटेरियल से, डिफरेंट सिलिकॉन से, डिफरेंट मेटल से बनता है, और हर किसी के अपने फ़ायदे नुकसान है। तो मोटा मोटा ये दो तरह के पेनाइल इम्प्लांट होते हैं, और ये दोनों इसी तरीके से काम करते हैं। इस सर्जरी में क्या शामिल होता है और इसे करने में कितना समय लगता है? तो ये सर्जरी जो है इसको डेकेड सर्जरी बोलते हैं। पेनाइल इम्प्लांट की सर्जरी कोई बहुत मेजर सर्जरी नहीं है, हार्ट की सर्जरी की तरह या किडनी की सर्जरी की तरह। इस सर्जरी में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं। ये सर्जरी डे केयर में होती है, मतलब सुबह भर्ती करके शाम को मरीज़ को भेज सकते हैं। इस सर्जरी में आपको पूरा बेहोश कर दिया जाता है ताकि आप फटाफट रिकवर हो जाए। इस सर्जरी में कोई पेन नहीं होता, पेनलेस सर्जरी होती है। पेशेंट सर्जरी के बाद अपनी डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ समय ज़रूर पेशेंट को रिकवरी के लिए चाहिए। इंटरकोर्स संबंध बनाने के लिए कम से कम महीने का टाइम लगता है। पर यह सर्जरी ऐसी ही है जैसे आँखों की सर्जरी होती है या दांतों की रूट कनाल ट्रीटमेंट होती है। इस सर्जरी में अच्छी सर्जरी करने के लिए अच्छा सर्जन ज़रूरी है। ये सर्जरी है यूरोलॉजिस्ट जिन्होंने एंड्रोलॉजी में फेलोशिप की है वो करते हैं। ये सर्जरी प्लास्टिक सर्जन नहीं करते। पेनाइल इम्प्लांट के बाद रिकवरी की प्रक्रिया कैसी होती है? तो इम्प्लांट के बाद रिकवरी जो है वो 15 से 20 दिन का समय लेती है। इस रिकवरी के ड्यूरिंग हम मरीज को बोलते हैं कि वो स्विमिंग ना करे, घाव को ड्राई रखे, अपने इम्प्लांट को इमिडिएटली यूज़ ना करे। कुछ समय के लिए पेशाब जो है वो फुर करके आता है, तो यूरिन के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती है, कुछ पेन किलर और एंटीबायोटिक दिए जाते हैं जो मरीज़ को लेने हैं। इम्प्लांट की रिकवरी के 21 दिन तक मरीज़ को भारी काम, घूमना फिरना मना होता है, पर वो ऑफिस जा सकते हैं, बेड पे लेट के अपना काम कर सकते हैं, और सेटिंग वर्क, वर्क फ्रॉम होम आराम से कर सकते हैं। 15 दिन में टाके ख़त्म हो जाते हैं, इम्प्लांट सेट हो जाता है, और 21 दिन के बाद मरीज़ पहली बार हाथ से हस्तमैथुन कर सकता है, और एक बार कंफर्टेबल हो जाए तो महीने बाद अपनी वाइफ से रिलेशन बना सकता है। रिलेशन बनाने में पहले महीने, डेढ़ महीने पेशेंट को हम करते हैं कि स्लोली रिलेशन बनाने हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद फिर से सेक्स होता है, उत्तेजना होती है, तो कई बार मरीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड सेक्स करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इस इम्प्लांट को सेट होने में 2 से 2.5 महीने लगते हैं, तो आप आराम से सेक्स कीजिए। 3 महीने के बाद मरीज़ का इम्प्लांट उसके हिसाब से सेट हो जाता है, और फिर वो जो मर्जी करना चाहे करे। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ मरीजों को कि जैसे हड्डी टूटती है तो 6 हफ्ते प्लस्तर और 6 हफ्ते एक्सरसाइज, तो आपका लिंग रिपेयर हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही 21 से 30 दिन का रेस्ट और उसके बाद फिजियोथेरेपी, मालिश करना ज़रूरी है, ताकि 2 महीने बाद आपको अपना इम्प्लांट अपनी हड्डी की तरह मजबूत मिलेगा। पेनाइल इम्प्लांट से जुड़े जोखिम या संभावित जटिलताएं क्या हैं? तो इम्प्लांट एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इम्प्लांट वर्ल्ड वाइड होता है। इम्प्लांट हम भी बहुत नंबर्स में करते हैं, और धीरे धीरे इंडिया में भी पेनाइल इम्प्लांट के बारे में जानकारी बढ़ने के कारण बहुत सारे मरीज इम्प्लांट कराने आ जाते हैं। इन सब मरीजों में से 50% मरीज ऐसे होते हैं जिनको इम्प्लांट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है,
और 50% मरीज ऐसे होते हैं जो सिर्फ इम्प्लांट कराने इसलिए पहुंच गए क्योंकि उन्होंने कहीं वीडियो देख लिया, कहीं मरीज़ को सुन लिया और उन्हें लगता है कि हमें भी प्रॉब्लम है। इम्प्लांट कर सकते हैं, इम्प्लांट अच्छी चीज़ है, इम्प्लांट से फ़ायदा होता है, पर इम्प्लांट से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जिस कारण से हम इम्प्लांट तभी करते हैं जब मरीज़ का लिंग एंड स्टेज में है, जब मरीज़ का लिंग खराब हो चुका है। तो इम्प्लांट के 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे सर्जन और पेशेंट को दोनों को डरना चाहिए, हमको डरते ही है, पेशेंट को पता होना चाहिए। पहला है इन्फेक्शन। जब भी हम शरीर में कोई फॉरेन बॉडी लगाते हैं, शरीर में कोई बाहर का प्लास्टिक लगाते हैं, तो उसमें पहले 5 से 10 दिन इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। ये इन्फेक्शन गंदे सामान, गंदे ओटी, गंदा एनवायरनमेंट, पुअर केयर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, गंदगी, प्रॉपरली बाल साफ नहीं किए, इस तरीके से इन्फेक्शन होता है। तो कोई भी अच्छा सेंटर होगा जहाँ पर 400-500 इम्प्लांट साल के होते हैं, वो नॉर्मली ये गलतियाँ नहीं करेंगे। इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए सर्जन बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, सर्जरी ओटी बहुत क्लीन होना चाहिए और इम्प्लांट में बहुत सारी प्रिकॉशन जैसे एंटीबायोटिक वॉशेज और एंटीबायोटिक कोटिंग ज़रूरी है। तो अपने सर्जन से ज़रूर बात करिए कि उनका इन्फेक्शन कंट्रोल रेट कैसा है और इन्फेक्शन अगर हुआ तो वो उसको कैसे मैनेज करेंगे। इन्फेक्शन नॉर्मली पहले 5 दिन का रिस्क रहता है, अगर 5 दिन के बाद टाके भर गए तो इन्फेक्शन बाद में नहीं होता। सेकेंड रिस्क जो इम्प्लांट में होता है वो होता है एरोजन। एरोजन मतलब इम्प्लांट का लिंग फाड़ के बाहर निकल जाना। आप समझिए कि आपका जो इम्प्लांट, आपका जो पेनिस है वो एक टी शर्ट की तरह है, शर्ट की तरह है, और आपका जो इम्प्लांट है वो अंदर का शरीर है। अगर शर्ट का साइज छोटा है और कोई बहुत मोटा आदमी पहने तो क्या होगा, शर्ट फटेगी कहीं ना कहीं से। उसी तरह अगर आपने इम्प्लांट को प्रॉपर साइज से नहीं लगाया, प्रॉपर टेक्निक से नहीं लगाया, अगर जैसे ज़बरदस्ती इम्प्लांट ठूस के आ गए तो वो इम्प्लांट कभी ना कभी फ्यूचर में पेनिस से, लिंग से फट के बाहर निकलेगा, जिसको एरोजन बोलते हैं। तो एरोजन ना होने के 2 प्रिकॉशंस है। पहला जो टेक्निकल स्टेप्स है, आपने किस तरीके से कपड़ा सिला है, किस तरीके से इम्प्लांट बिठाया है, वो जरूरी है। दूसरा है कि इम्प्लांट का साइजिंग ठीक होना चाहिए, और तीसरा है कि पहले 4-6 महीने जब तक इम्प्लांट सेट हो रहा है आपको बहुत हार्ड सेक्स नहीं करना है। और तीसरा कॉम्प्लिकेशन जो पिनाइल इम्प्लांट का है वो है पिनाइल इम्प्लांट का साइज छोटा हो जाना। उल्टा है, कपड़ा ढीला पड़ गया तो उस कारण से क्या है कि जो आपका एक साइज़ हो सकता था, जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा नहीं है, आप गए थे 6 इंच का लेके और आप करा के आ गए 4 इंच का। ये भी सर्जन मिस्टेक होती है, कई बार इम्प्लांट प्रॉपर साइज़ का नहीं डलता। तो अगर अच्छा सेंटर है तो ना तो इन्फेक्शन होगा, ना इरोजन होगा, ना साइज प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा इम्प्लांट में अधिकतर कोई ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशन होती नहीं है। पेनाइल इम्प्लांट लगवाने के बाद पुरुषों के यौन अनुभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक स्टडी हुई थी US में जिसमें पाया गया कि जिन मतलब 100 से 125 मरीजों में इम्प्लांट लगाया गया, उनसे और उनकी वाइफ से या गर्लफ्रेंड से पूछा गया कि इम्प्लांट के बाद उनका क्या कहना है। तो वाइफ्स ने तो बोला कि हमें तो नया पति मिल गया, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी शादी फिर से हो गई, ना तो इनका मन भरता है और हमारा मन तो हमेशा पूरा रहता ही है। और जो मरीज़ थे जिनको इम्प्लांट लगा वो सब कहते थे कि हमें ये इम्प्लांट कम से कम 10 साल पहले लगवा लेना चाहिए था, दवाइयाँ बंद हो गई, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, जब मन करे तब वाइफ के साथ संबंध बना रहे हैं, संभोग सुख बढ़ गया है, टेंशन ख़त्म हो गई है। और आदमी जो अच्छा सेक्स करते हैं, आदमी जो अच्छा जीवन जीते हैं, मेंटली रिलैक्स रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कम होता है और काम काज में ज़्यादा मन लगता है। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ एक यौन बीमारी नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक मानसिक बीमारी भी है। होता क्या है कि जिस आदमी को ईडी है वो ना तो खुद इन्जॉय कर पाता है और घर में कलेश से परेशान रहता है। इम्प्लांट के बाद आपको यौन सुख तो मिलेगा मिलेगा, बीवी भी खुश रहेगी और आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा आनंद महसूस करेंगे। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और आपको प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है तो आप एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से कम 500,000 पिनाइल इम्प्लांट साल में करता हो, जिसके पुराने मरीज़ हो, उससे मिले, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए और अपने लिए एक अच्छा इम्प्लांट चूज़ करिए। आप चाहे तो हमारे पास भी अपना पिनाइल इम्प्लांट करा सकते हैं, हम इंडिया के नंबर 1 पिनाइल इम्प्लांट सर्जन हैं और हमने पिछले कुछ सालों में कई हज़ार मरीज़ों की लाइफ चेंज करी है। इन मरीज़ों से बात करने के लिए, इनके रिव्यू सुनने के लिए, इनके रिजल्ट देखने के लिए आप क्लिनिक पर संपर्क कर सकते हैं या मेरे चैनल से जुड़े इस टॉपिक के और वीडियोज़ हैं जिसको आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पुरुष रोग की और बीमारियों की आपको बहुत डिटेल्ड नॉलेज इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।